दोस्तों, यदि आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिलाएं, आपके बालों में आपको ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से अगर बाल झड़ते रहे, बाल गिरते रहे, तो आप कहीं गंजेपन के शिकार ना हो जाएं, या आपके बाल जो होते हैं वो बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बाल दो मुए हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, हाथ डालते हैं बालों में और आपके हाथों में बाल आ जाते हैं, या आप स्नान करते हैं आप देखते हैं कि जो बाथरूम में आपके कहीं बाल बिखरे हुए पड़े, कंघी करते हैं आप कंघी में आपके काफ़ी ज़्यादा बाल आ जाते हैं और आपको लग रहा है कि आपके सारे बाल जो हैं वो चले नहीं जाएँ। दोस्तों, अगर इस तरह की कंडीशन है, आपके बाल भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पतले हैं, दो मुए और बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो आपको मैं आज एक बताऊंगा एक कॉम्बिनेशन हेयर ऑयल, जो कि एक SBL जो कि दवा होम्योपैथी की एक दवा कंपनी है, जानी मानी दवा कंपनी है और इसका एक पैटेंटेड प्रोडक्ट है दोस्तों, और इस प्रोडक्ट का नाम है SBL का आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल। यह जो SBL का आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल है, यह आपके बालों से जुड़ी हुई जो भी इस तरह की समस्याएँ होती है उन सबको दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, आपके बालों को काला और घनाना बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करता है और उसके साथ साथ बालों को मजबूती भी देता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़, जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर जो या इस तरह का जो आपको साथ में जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए आर्निका मोंटाना जो हेयर ऑयल है, जो कि SBL का प्रोडक्ट है, यह आपको किस तरह से मदद करता है, इसमें कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हैं, इसके साथ साथ इसको आपको किस तरह से काम में लेना है। दोस्तों, इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आपको जो मिलेगी वो है आर्निका। आर्निका आपके हेयर फॉल को रोकता है, बालों को घना और मजबूत करने में आपकी मदद करता है। कैलेंडुला मिलेगा, कैलेंडुला भी एक ऐसे एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, आपकी जो स्कैल्प होती है, स्कैल्प की जो स्किन होती है उसमें अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ ही चाइना मिलेगा, चाइना भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प में, स्कैल्प की जो बाल होते हैं, बालों में जो जड़ होती है, जड़ों के ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाने में मदद करता है। और इसके साथ साथ जो इसमें मुख्यतः मिलेगा वो है एक जबरंडी। जबरंडी भी आपके बालों के लिए एक जानी मानी एक दवा होती है जो कि आपके बालों को घना और लंबा बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। उसके साथ साथ ही मिलेगा इसमें थुजा, थुजा भी आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, यह इस तरह से इसमें कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि आपको इसमें हेयर ऑयल में देखने को मिलेगी, जो कि आपके बालों को अच्छी ग्रोथ देते हैं, बालों को झड़ने से टूटने से आपको बचाते हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई कि आर्निका मोंटाना जो हेयर ऑयल है SBL का, यह उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, इसकी बात करते हैं कि आपको ये आखिर मिलेगा कहाँ पर और किस तरह से इसको काम में लेना है। दोस्तों, इसको आपके नज़दीक किसी भी अच्छे होम्योपैथी स्टोर पे, अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। जनरली इसको अप्लाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है, जैसे आप जो दूसरे साधारण ऑयल वगैरह आप अपने स्कैल्प में अपने सर में लगाते हैं, उसी तरह से जेंटली आपको हल्के हाथों से आपको अपने रात के टाइम में आप चाहें तो हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में स्कैल्प में आप हल्की मसाज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही आप मॉर्निंग में आप स्नान करने के बाद में आप चाहें तो हेयर ऑयल जिस तरह से आप अप्लाई करते हैं उस तरह से आप इस ऑयल को भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप हमेशा अपने हमेशा जो भी आपके नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी जो केस को देखते हुए कहीं आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है, या आपकी हेरिडिटी तो नहीं है गंजेपन की, या इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम को देखते हुए आपको कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपको इसके साथ साथ देंगे, कुछ खाने के लिए कुछ पोटेंसीज, कुछ मदर टिंचर भी हो सकता है आपको दें, तो इसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, बालों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, जैसे कि सेलेनियम, एसिड वॉश, लाइको, विस्पेडन और भी कई मेडिसिन है, जबरंडी, जो कि आपके सिम्टम को ध्यान रखते हुए दी जाती है। इसलिए आप हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार ही मेडिसिन लें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।